नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा कुछ जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 12 जुलाई 2022 वार मंगलवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य भगवान यानी ईष्ट भगवान का नाम आप जरूर लिखें। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज के दिन किन देवी देवताओं की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद रहने वाली है। आज हनुमान जी की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद रहने वाली है। उनका मंत्र जब आज आपको विशेष लाभ प्रदान करने वाला रहने वाला है। शुरुआत करते हैं पंचांग की। वार मंगलवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, माह आषाढ़ माह। पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष। तिथि की बात करें त्रयोदशी तिथि, जो कि सुबह 7:47 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र की बात करते हैं, मूल नक्षत्र जो कि गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है, योग ब्रह्म योग, जो कि 4:58 तक रहेगा, उसके बाद इंद्र योग प्रारंभ होगा। दोनों ही योग शुभ योगों की गिनती में आते हैं। करण की बात करें, तैतिल करण सुबह 7:46 तक रहेगा, उसके बाद गरकरण प्रारंभ होगा। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। शुरुआत करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:36, सूर्यास्त की बात करें 7:17, सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रोदय की बात करें तो 6:14, चंद्रास्त की बात करें अगले दिन सुबह 4:32। चंद्र राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रदेव अपने मित्र की राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि से संचरण कर रहे हैं। बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:58 से लेकर सुबह 4:47 तक रहेगा। अपने ईष्ट देव की आराधना, मंत्र जप, मंत्र सिद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ है। अभिजीत की बात करें, सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:54 तक अभिजीत रहेगा, यानी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं दिन के चौगड़ी की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से लेकर रोग का चौगड़िया सुबह 5:36 से सुबह 7:18 अशुभ चौगड़िया। रोग के बाद उद्वेग 7:18 से 9:01 अशुभ चौगड़िया। उद्वेग के बाद चर 9:01 से लेकर 10:44 सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 10:44 से दोपहर 12:26 शुभ है। लाभ के बाद हम बात करें अमृत 12:26 से लेकर और 2:09 तक रहने वाला है दोपहर में अमृत का चौगड़िया, जो कि शुभ माना गया है। अमृत के बाद काल 2:09 से 3:51 अशुभ है। काल के बाद हम बात करें शुभ 3:51 से शाम 5:34 शुभ समय है। शुभ के बाद में रोग शाम 5:34 से शाम 7:17। इन सभी चौगड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत तीनों चौगड़िये अत्यंत शुभ हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन्हें अशुभ चौगड़िये की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहुकाल और गुलिक काल की। राहुकाल शाम को 3:30 से लेकर 5:00 तक रहेगा। गुलिक काल की बात करें दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 2:00 तक रहने वाला है। इन दोनों समय के अंदर यानी राहुकाल और गुलिक काल के अंदर हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं दिशाशूल यानी आज के दिन किस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। फिर भी अगर जातक उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार करें। यानी आज के दिन अगर हम बात करें तो दिशाशूल के परिहार के लिए गुड़ का सेवन अवश्य। बात करते हैं चंद्रबल यानी आज कौन कौन सी राशियां शुभ रहने वाली हैं। तो आज की शुभ राशि है मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। आइए बात करते हैं आज जो भी जब तक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामाक्षर और जन्म पाई की। तो आज जो भी जब तक जन्म लेंगे उनकी धनुराशि, नामाक्षर रहेंगे ये, यो, भ और भी। जन्म पाई की बात करें तो इनका सभी का ताम्र का जन्म पाया रहने वाला है। नमस्कार।